चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे सैम चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछा और आयरवन उसको तो में महाप्रभु जिस कथा श्रवण किया तबे हसी तारे प्रभु देखा न स्वरूप रसराज महाभाव दुए गुरु देखे रामानंद होइल आनंद मूर्छिते धरिते ना परे देह पड़िला भूमिते प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराइल चेतन सन्नासीर बेश देखे विस्मित होइल मन आलिंगन करी प्रभु कैलाश शासन तुमा बिना एरो ना देखे अन्न जन मूल तत्व लीलार तुमार गोचरी अते एरूप देखायन तुमारे गौरंग नहे मो राधांग स्पर्शन गोपेन्द्र सुत बिना तेह नपर से अन्न जन তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন তবে নিজ মাধুর্য করি আস্বাদন তোমার ঠাই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম লুকাইলে প্রেম বলে জানো সর্বমর্ম গুপ্তে রাখিও কাহা না করিও প্রকাশ আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস আমি এক বাতুর তুমি দ্বিতীয় বাতুর অতএব তোমার আমায় হই সমন্ত এই রূপ দশরাত্রে রামানন্দ সঙ্গে সুখে বঙাইল প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে নিজ গুড় ব্রজে রস লীলার বিচার অনেক কহিল আর না পাইল পার তামা কাঁসা রূপ সোনা রত্ন চিন্তা মনে কেহ যদি কাহা পোতা পায় ক্রমে উঠাইতে সে উত্তম বস্তু পায় হইছে প্রশ্নোত্তরে কহিল রাম রায় আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা
दाई काले तारे आज्ञा दिला विषय छाड़िया तुम्हें जहाँ नीला चले हमें तीर्थ करे ताहा आसी अल्पकाले दुई जने नीला चले रही एक संगे सुखे गुंगाई बकाल कृष्ण कथा रंगे ये तो बोली रामानंदे कोरी आलिंगन तारे घरे पठाइलो करिलो स्वयं। हम लोग श्रवण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु रायलमंद के जो दर्शन दिया वो कौन सा था, रसराज महाभाव। रसराज महाभाव बहुत एक ही स्वरूप में उनको दर्शन दिया। इस प्रसंग में हम लोग श्रवण किया रसराज रूप श्री कृष्ण और महाभाव रूपा श्रीमती राधिका, ये दोनों ही मिलित हो करके एक तत्व और रूप दर्शन किया। युगता राधा भाव अद्भुति सुबोलित कृष्ण स्वरूप एक तत्व में दो द्वि तत्व ही दोनों तत्व एक है, एक ही तत्व में दो तत्व आ गया, दो तत्व में एक ही है। अर्थात कृष्ण तत्व तो एक ही, एकमेव परम तत्व, एक ही परम तत्व कृष्ण, एकमेव परम तत्व और स्वाभाविक अचिंत सत्ता, स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप अनेक वैभव आदि प्रकाश करते हैं। शक्ति शक्ति मानुर दयुर अभिद ये सब कथा हम लोग श्रवण किया, द्वैतवाद और अद्वैतवाद इस कथा प्रसंग और भी हम लोग श्रवण किया। किस प्रकार कृष्ण राधे के अंतर हृदय कोष में प्रवेश करके राधे के महाभाव की जो पराकाष्ठा उसके ग्रहण किया, जिस प्रसंग में उदाहरण दिया था, जिस प्रकार कमल के अंतरकोश में कर्णिका में भ्रमर प्रवेश करके और वह पराग के द्वारा ये पराग पराग ये पराग के द्वारा स्वयं ही आवृत हो जाते, ठीक उसी प्रकार कृष्ण राधा के अंतर हृदय में प्रवेश करके और वो महाभाव सर्वणी श्रीमती राधा के द्वारा आवृत होकर के कवर होकर के बाहर कैसे आए, उसी की राय रमंद दर्शन के इसलिए कहा जाता है अंतर कृष्ण बहिर गौर, अंदर तो कृष्ण ही है किंतु बहिर माने बाहर में गौर स्वरूप अर्थात राधा जी की श्री अंग के द्वारा आवृत है ढके हैं राधा अंग नहे मोर, ए गौर अंग नहे मोर राधा अंग स्पर्शन। महाप्रभु स्वयं कहने लगे
ये आपने जो वास्तव रूप में जो देखा, जो कंचन पंचालिका के द्वारा मेरा अंग जो ढका था, वो कंचन पंचालिका है कौन? श्रीमती राधिका, स्वयं राधिका ही मेरे अंग के जो है ढक करके रखा। इसलिए ऊपर से आप गौरांग गौर अंग जानी सुंदर दिव्य छटा को आप दर्शन कर रहे हैं। तात्पर्य है क्या? राधा जी की अंग और राधा जी में कोई भेद नहीं है। देह देही भेदा नस्ते, भगवान में ये विशेष वैशिष्ट है, उनके देह और देही में कोई भेद नहीं है, शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। बद्ध जीव में देह और आत्मा में भेद है, ये शरीर ये देह कहा जाता है, देही आत्मा में भेद है। किंतु भगवान कहते देह देही भेद विदान अस्ति, ही अचिंत तत्व है, कोई शब्द के द्वारा वस्तु द्वारा समझाना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है नायंग आत्मा प्रवचन लभ्भु न मेधया न बहुना श्रुति न जमी वैसे विवृणते तेन लभ्भ तस्य विवृणते तनुस्। जब भगवान कृपा करके अपने स्वयं रूप के लिए किसी के हृदय में प्रकाश कर देते हैं, वही अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं नयन आत्मा प्रवचन लभ्भो, अनेक प्रवचन आदि दे करके बाग वितन डटा, बाग वितन माने तर्क आदि के द्वारा कुछ स्थापित नहीं होता है। तर्क के द्वारा कोई वस्तु स्थापित नहीं होगा, तर्कात् अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा कोई वस्तु की आप स्थापित नहीं कर सकते। ये कैसे हुई? क्योंकि अप्राकृत वस्तु चिद वस्तु केवल मात्र अनुभव योग्य कहा गया। अनुभव माने अनुभव कर सकते हैं, जिसको ससंविद्ध दशा महाभाव की जिस स्थिति आदि जो बताया गया वो क्या है? जावद आश्रय वृत्ति और ससंविद्ध दशा को प्राप्त कर लिया। समस्त प्रकार की आश्रय विग्रह के जो वस्तु जो है इंग्रेडिएंट्स वो सम्मिलित होकर के आते, जिसमें हम कहा था ये रस तत्व के समझने के लिए कितने तत्व के बारे में आपको जानना पड़ेगा? 49 तत्व को आपको समझना पड़ेगा, विभाव अनुभव सत्विक व्यभिचारी आलंबन उद्दीपन, आलंबन विषय आलंबन आश्रय आलंबन, फिर यह समस्त विषय को जानना पड़ेगा। 33 प्रकार के जो है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है, विपूर्वक व्यभिचार घं प्रत्यर्थे करके चर धातु जो संचालित करते हैं भावों के जो है स्फीत कराते हैं बढ़ाते रहते, ये समस्त विषय वस्तु के समझना पड़ेगा। इसके लिए बार बार श्रवण करना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा। एक बार श्रवण करने से नहीं होता है, बार बार श्रवण आदि के द्वारा, फिर भजन साधन आदि के द्वारा भगवान की अहितु की कृपा से
तब वो समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं नयनात्मा प्रवचन लभो न उम्मीदवार न बहुना सोते न जो हमें विषय वृणते तेन और तस्य से आत्मा विवृणते तो नुकसान। इसलिए कहते हैं ये राधा गौरंग नहीं मोर राधांग स्पर्श महाप्रभु स्पष्टीकरण करते हैं ये मैं ही कृष्ण ही हूँ, क्योंकि दूसरी लाइन में कह रहे क्या गोपेंद्र नंदन सुत बिना तेह ना पर्श अन्न जन हैं। श्रीमती राधा जी की एक विशेष निष्ठा व वैशिष्ट्य क्या है, एकमात्र नंदन छोड़ करके और किसी को स्पर्श नहीं करते। कृष्ण और कृष्ण की जो अवतार आदि में कोई भेद नहीं है, ईश्वर भेद मान ले भाई तो अपराध। जितने भी भगवत विष्णु तत्व है सब विष्णु तत्व एक ही विष्णु तत्व है, यथा दीपार्ची मेव, जिस प्रकार एक दीपक है से अनेक दीपक जो है आप जलाई है न, एक दीपक होता है फिर अनेक दीपक की आप जला सकते हैं, किंतु वह दीपक की जो क्या बोलते हैं सलते जो है बत्ती जो है उसकी क्वांटिटी के अनुसार क्वालिटी के अनुसार वो आलू प्रदान वो ज्योति प्रदान करते हैं, कि मूल ओरिजिन जो दीपक जो है वो एक है और अनेकों दीपक के प्रकाश है, किंतु मूल से उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। इसलिए जब हम ब्रह्म विषय जब आलोचना करते हैं स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म, क्या बोला स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म, अपने जितने विष्णु तत्व है उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही केवल भक्त की प्रेम माधुर्य की आस्वादन करने के लिए भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाशित हो गए, वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में, अयोध्या में रामचंद्र के स्वरूप में, द्वारका मथुरा आदि में कृष्ण स्वरूप में प्रकाशित हो रहे, अनंत वैकुंठ और अनंत स्वरूप में भगवान विराजमान होते हैं, एक में अनंत वैकुंठ कहा जाता है, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह आदि ऐसे भगवान के अनंत वैकुंठ कहा जाता है, अनंत स्वरूप में भगवान विराजमान होते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए आस्वादन कराने के लिए वही स्वरूप प्रकार होते हैं। देखिए सजातीय और स्वगत, स्वगत में अपने भगवान की जो इंद्रिय आदि जो है एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में कोई भेद नहीं है, सभी इंद्रियों के द्वारा सभी कार्य कर सकते हैं, आंखों के द्वारा खा सकते हैं, आंखों के द्वारा चल सकते हैं, आंखों के द्वारा देख सकते हैं, जीव में ही संभव नहीं, केवल एक इंद्रिय के द्वारा हम एक ही कार्य कर सकते हैं, हम आंख के द्वारा केवल देख सकते हैं, आंख के द्वारा हम खा नहीं सकते,
हैं, आप भजन कर सकते हो आंखों की तरह, आंखों की तरह देखो ये पास कितने लड्डू कचौड़ी पूड़ी कितने सुंदर रूप में है उसको देख सकते हैं। हम केवल पैर की तरह चल सकते हैं और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। यही तो भगवान की सच्चिदानंद यदि स्वगत हो सजातीय और विजातीय भेद रहित, भगवान और भगवान की विजातीय जो वस्तु जो है उसमें भेद रहता है, जीव और ब्रह्म में भेद रहता है, भेद रहता है अनुक्त और बृहत्त। जीव क्या बोलते हैं क्षुद्र है और भगवान बृहत है, और फिर शक्ति है भगवान शक्तिमान और जीव शक्ति, इसलिए शक्ति शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है। फिर कहते भी है तो माया भी है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण के यदि प्रकाशमान जजलमान सूर्य के साथ तुलना दी जाए और माया की किसके साथ तुलना दी जाए, अंधकार के साथ। यदि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार है। रजी रोबी रजनी कबू नहे एक ठाम, एक साथ में नहीं रह सकते। रवि माने सूर्य प्रकाश, रजनी माने अंधकार। तो फिर कहते हैं माया शक्ति है और शक्ति शक्ति मानो अभेद, अभेद कैसे था न माया कहाँ से प्रकट हुई, भगवान से प्रकट है। चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति, जिसके उदाहरण दो उदाहरण के द्वारा दिखाया गया, यथा पूर्णाभ